मोदी बनियान मोदी काम कैले बान हम कैले कौन नेता हम कैले तंत्री में मोदी जी मोदी क्यों आखिर मोदी जी में क्या ऐसा गुण आपको अच्छा लगा? ऐसे होता है कि भारत में जितने गरीब को राशन बांटते हैं गिराते हैं कर्म अच्छा कर रहे हैं, हर गंगा में अपना पुल बना दिया जी। के लिए राहुल गांधी विकल्प अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी। बोलिए चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा जो राजासी नागा जी सन्यासी जी। मैं हमारा सवाल यह है कि भारत के लिए अगला प्रधानमंत्री कौन अच्छा होगा, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। क्यों आखिर मोदी जी में क्या ऐसा गुण आपको अच्छा लगा? ऐसे होता है कि भारत में जितने गरीब को राशन बांटते हैं गिराते हैं कर्म अच्छा कर रहे हैं, हर गंगा में अपना पुल बना दिया जी। राम जन्म बना दिया अयोध्या में जी। मोदी जी अच्छा कर्म कर रहे हैं इसलिए मोदी जी के हम लोग नाम जपते हैं। मैंने आपको साफ तौर से कहना है कि भारत के लिए नरेंद्र मोदी एक अच्छा विकल्प है। विकल्प है एक का। तो साफ तौर से कहना है कि भारत के लिए अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या नाम हुआ? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? नागा जी। चलिए हमारे साथ दूसरे साधु संत हैं। भारत के लिए राहुल गांधी विकल्प अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी। उसका मोदी जी का एक काम बताइए जो अच्छा लगा हो। ये सब ठीक है कि जो जैसे कि राशन वोशन दे रहे हैं लेकिन फ्री में दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो बुढ़ा पेंशन मिलता है वो अधिक नहीं मिलता है, कम मिलता है, कम मिलता है। इसे पोसाई नहीं पड़ता है। देखिए अभी हमारे साथ जो साधु संत मौजूद है इनके एक ही शिकायत है कि बिहार में जो पेंशन दिया जाता है 400 की जगह 1000 रुपए किया जाए। 1000 से ज्यादा होना चाहिए तब तो काम चल लेना चाहिए नो, क्योंकि कम से कम 1500 ले कम नहीं होना चाहिए। 1500 हाँ 1500 होना चाहिए। हमारे साथ साधु संत हैं, उनसे जानते हैं कि भारत के लिए क्या विकल्प है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? क्या नाम हुआ? सुदर्शन चौहान। भारत के अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? ऐसे तो देखने में नरेंद्र मोदी ही अच्छा लगते हैं। चलिए और भी हमारे साथ साधु संत है, क्या नाम हुआ? आइए इधर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि देश के हित में कौन अच्छा काम कर रहा है, भारत के लिए अगला विकल्प कौन है, भारत के लिए अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए जो कि भारत सुरक्षित रहे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा तो गोपाल दास नाम पर ही। चाचा मेरा सवाल यह है कि भारत अभी इलेक्शन होने वाला है 1-2 महीना में, भारत के लिए बेहतर प्रधानमंत्री कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम सुनी एक बात सुनी मैंने केकरा कहल जाए कि निमन बा केकरा के बकार बा, सब कोई तो संसार अपना लिए मर रहा बा, हम 400 का पेंशन 400 रह गई मान लग के भैया, हमने कमाए कर मैंने कुछ करे के बाद बुढ़ापा आज बता। मैंने आपको साफ कहना कि पेंशन बढ़ना चाहिए। हाँ 1000 या 1500 यही बात है ना। हाँ। तो लेकिन बेहतर प्रधानमंत्री कौन है आपकी नज़र में, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी एक काम बताइए जो मोदी जी को आपको अच्छा लगा हो। जी हाँ मोदी जी बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा हाँ हाँ ठीक, भारत का अगला प्रधानमंत्री वही बनना चाह रहे हैं। हाँ हाँ वही। और भी हमारे साथ साधु संत हैं, बात करेंगे चाचा बैठी तो बैठी एक मिनट बैठी। और भी साधु संत हैं, इनसे जानेंगे कि हिंदुस्तान देश के लिए बेहतर कौन होगा, हिंदुस्तान किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, देश का अगला प्रधानमंत्री अब किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी या राहुल? देखिए प्रभु तो सब दुनिया हो रहा है या चल रहा है, राहुल हो चाहे मोदी बाबू हो जी, चाहे योगी हो जी, अच्छा जे काम करे वो रहे। आपके नज़र में अच्छा कौन है कि कोई तो होगा? अभी नज़र में तो कोई अच्छा नहीं लोक रहा है कि जो बूढ़ा पेंशन हम लोग को मिल रहा है 400 रुपया, हम लोग का पेट भोजन नहीं चल रहा है। आप लोग जितने भी यहाँ साधु संत हमने बात किया खाली पेंशन का ही शिकायत हमको मिला, और कुछ शिकायत नहीं आपके जीवन में? बुढ़ारी समय में तो हम लोग पेंशन के न उपाय कर। कितना पेंशन चाहते हैं, कितना पेंशन चाहते हैं?
हम लोग को मिलना चाहिए कि 2000 की माने कि हम लोग का काम चले 2000 घूमे पूरा हम लोग। ठीक है, इधर मुखा को बोलिए। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी साधु संत से बात किया सभी का एक ही शिकायत था कि 400 के जगह पर कोई बोले 1500, कोई बोले 2000, कोई बोले 1000। अगर हमारी बात या वीडियो सरकार तक जाती है तो इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साधु संत के बात नहीं है, हमारे बिहार के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, सबके लिए एक बड़ा मुद्दा है पेंशन। 400 रुपया क्यों दिया जा रहा है? 1000 करे, 1500 करे, 2000 करे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है विवाह शाह। मेरा सवाल है कि भारत के लिए अगला प्रधानमंत्री कौन अच्छा होगा, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी बनियान, मोदी काम कैले बारन, लालू ने काम कैले, कौन नेता ने काम कैले प्रधानमंत्री ने, लालू जी प्रधानमंत्री घर द्वार बना दे जी। माने आपको दिल से दुआ नहीं कर रहे कि मोदी जी अगला प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी सरकार बनिया प्रधानमंत्री मोदी। हाँ, भाजपा उनका मोदी जी के एक भी काम अच्छा आपको क्या लगा बाबा? ऊंचा राम के दुनिया के मोदी घर न बनाओ, माटी के घर रही कौन नेता घर बना वाला घर मोदी हमारा जीतल मोदी। राम मंदिर बनने से आप कितना खुश है? सोना के केवाड़ी लगा रहा हमने, सोना की केवाड़ी। हाँ बने रहे हमें, आपको साफ कहना है कि भारत के अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को होना चाहिए। मोदी जी के दौरान मोदी जी, मोदी जी। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कितना देश के लिए बेहतर और विकल्प है मोदी जी या राहुल गांधी या नीतीश कुमार। बोलिए चाचा, क्या बोलना चाहते हैं? कहने का मतलब ये है कि साधु संतों को सीट जब गाड़ी में नहीं मिलता है, वो लोग यानी गेट पर बैठते हैं तो लोगों ने टीटी लोग कुछ तंग करते हैं, इसलिए उन लोगों को सीट होना चाहिए जी, तब तो अच्छा होगा। आप क्या बोलना चाहते थे? वही बात चाहते थे कि चरण ने जी साधु का कोई इज्जत नहीं है, हटो सीट बेचा गया है। देखिए रेल मंत्री बैसरे जी, अगर हमारी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो साधु संत का कहना है कि ये लोग ट्रेन में तंग नहीं किया जाए, बहुत तंग होते हैं, हम लोगों को सीट नहीं मिलती। क्या टीटी आप लोग से अभद्र भाषा में बात करता है? हाँ बहुत कहता है कि चलो भुआ बैठो, ठीक है उतारने के उतार देता है, रूस में बोलता है, हम लोग को कड़कना पड़ता है। देखिए हिंदुस्तान एक सनातनी देश है, यहाँ पर साधु संतों को अपमान नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा ढंग से बोलना चाहिए। अगर कोई भी ट्रेन में टीटी को चलने के लिए टी भी पर साधु साधुओं को बोलना नहीं चाहिए क्या? हाँ, बाकी वो लोग मानते नहीं है, मानते नहीं है, नहीं कहता है कि उतारो, वो पैसा दिया है। देखिए हमारे साथ आपका उम्र कितना हो रहा है चाचा? 70। 70 साल के बुजुर्ग साधु जी, इनको इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे रेल मंत्री हैं वैष्णो जी, इस तरह के साधु संतों पर हिंदुस्तान में अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान देश एक सनातन देश है, इस तरह का अपमान साधु संत बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कहना यही चाहते हैं कि हम लोग का गाड़ी से मजिस्ट्रेट उतार देते हैं जी, उतार देते हम क्या करें, मजबूर होकर फिर दूसरे दलों में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग से टीटी भी अभद्र भाषा में बोलते हैं? टीटी बोलता है, बोलता है ना? हाँ टीटी बोलता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जबरदस्ती हाथ धक उतार देता है सरकार से। क्या कहना चाहते हैं? तो हम लोग क्या करें, बोलिए जो मांगे अभी। हम तो मांगे है कि हमको कोई पूछना नहीं चाहिए, हाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है सब ठीक है, लेकिन हम लोग जहाँ जाना है तहाँ हम लोग जाएंगे जाएंगे। हाँ देखिए कहना है कि ये लोग कहीं भी जाएं, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इन साधु संतों से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये किसी भी बोगी में चढ़े, जनरल हो, स्लीपर हो, लेकिन टीटी को इन लोग से अभद्र भाषा में बात नहीं करना चाहिए। हम लोग का सीट से मतलब नहीं रहता है, हम लोग गेट में कहीं टीटा साइड देकर हम रहते हैं, सीट होना चाहिए। अगर हमारी वीडियो या केंद्र सरकार हो, बिहार के सरकार हो, जो भी सरकार हो, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो साधु संतों के देश में अपमान नहीं होना चाहिए।
चलिए चाचा से बात करते हैं, बोलिए भारत के अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, राहुल को नहीं चाहते, हम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, क्या उनको ऐसा कौन है काम? उनसे ये फायदा है कि हर तरीका से पोजीशन अच्छा ले जा रहा है, मगर जो बस वाले हैं कंडक्टर, हम लोग का तंग करता है। जहाँ की 100 रुपया का पोजीशन है, वहाँ करवाना चाहिए 50 या 25 या 30, समझ लो, इसलिए उन पर कड़ाई किया जाए। मैंने आपको कहना कि बस में जितना भी किराया लग रहा है उसका आधा लिया जाए, आधा लिया जाए, चाहे संक्षेप में होना चाहिए। और ट्रेन में जब भी आप लोग चढ़ते तो टिकट नहीं लेते हैं? टिकट नहीं लेते हैं। फिर टीटी आप लोग से कैसा भेदभाव करता है? महाराज के बहुत गाली गलौज कभी कोई 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 कर देता है। सुन लीजिए मेरा बात, देखिए साधु संत के साथ हिंदुस्तान में गाली गलौज भी किया जाता है? जी हाँ महाराज, कहीं कहीं बाएं जाकर के उतार देता है। जब इस देश में साधु संत को अपमान होगा तो और हम आम जनता कैसे रहेगी? नहीं कैसे रहेगी, नहीं ना रहेगा अच्छा तरीका से। ये कहीं ना कहीं निंदनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज जी। क्या अब बस वालों को कंट्रोल करना चाहिए कि सब किसी को तो नहीं, बाकी संतों का थोड़ा संक्षेप में रखना चाहिए। देखिए अभी हम मौजूद है बिहार के रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड के ग्राम पकड़ी में। आज हमारे साथ जितने भी साधु संतों, इनसे बात किया, इनसे दर्द इनका जाना, और ये भी एक सवाल था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए कौन बेहतर होगा और कौन अच्छा नहीं होगा। कुछ माता बहने हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अरे हम नाम क्या बताएं, कहाँ ले जाएगा हमने के? माने हमारे सवाल बा कि भारत के अगला प्रधानमंत्री मोदी जी की राहुल गांधी, हाँ, कौन बने के चाहिए? तो दुनिया के ना तो मोदी के न बने। क्या कहना चाहती चाची? मोदी बना सब, 2000 महीने की भीख मांगला का कौन जरूरत हुआ, समय गिर गई। अब भीख मांग के खाता नहीं, दावा पर चले के बाद जी पेंशन मिला ना 400 1000 महीना लगता, पेंशन बढ़े के चाहिए। हाँ 2000 हाँ बढ़े के चाहिए। देख लीजिए वीडियो में अगर हमारी आवाज माताएं को आप लोग सुनते हैं, इनको साफ तौर से कहना है कि पेंशन 2000 रुपया होना चाहिए। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, बोली। हाँ बोली कि मैंने भीख मांगला का कौन जरूरत हो, समय पे भीख मांगे के ना, बाल बच्चा बता गरीब अपन बाल बच्चा पोसो कि हमने के किया, वो 1000 महीना लगता, 2000 महीना में दिमाग के उदय डॉक्टर में से। हाँ उदय डॉक्टर में से दवाई चला, पेंशन बढ़ी। हाँ 2000 बढ़े के चाहिए। रउआ कितना कदी पेंशन इंदिर मन हो गए? 2000 चाची रउआ बताई कि भारत के अगला प्रधानमंत्री मोदी जी की राहुल गांधी? मोदी जी के बहुत मराई जो हमने कहा अचल पैसा दे रहा बने वहाँ के, बाकी वोट उनके के दिया मोदी जी के, मोदी जी के एकदम दिल खोल के बोलो जी, जातना से कह रहा साफा दिल खोल के बोलो मोदी जी के दिया। केकरा वोट दिया? मोदी जी के। मोदी जी के केकरा के वोट दिया चाचा? मोदी जी के। देखिए हमारे साथ जितने भी साधु संत है, सभी को कहना था कि भारत के लिए बेहतर, हिंदुस्तान के लिए बेहतर अगला प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, लेकिन सभी साधु संतों का एक शिकायत है कि 400 जो पेंशन उसको बढ़ाकर 2000 रुपया बिहार में किया जाए। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन साधु संतों का शिकायत केंद्र सरकार तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे। ये लोग आवाज रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद जय भारत।